हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 7 फरवरी 2022 और इस वीडियो में 7 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस देश को फाइनल में पराजित करके भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो भारतीय टीम ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता है और किसको हराया है फाइनल में? तो फाइनल में इंग्लैंड की टीम को हराकर अंडर 19 खिताब वर्ल्ड कप जीता है। यह पांचवी बार है जब भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। यह है इस बार की टीम की विजेता की फोटो। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना चाहिए, तो भारतीय टीम ने पांचवी बार अंडर 19 विश्व कप की ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा है। इससे पहले वेस्ट इंडीज ने 3 बार जीता है और भारत ने 5 बार जीता। तो सबसे ज्यादा किसने जीता अंडर 19 वर्ल्ड कप? तो भारत ने जीता है 5 बार। इस भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो इस बार भारतीय टीम के कप्तान थे अंडर 19 टीम के यश ढोल। अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ था। भारत ने पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप कब जीता था? तो वर्ष 2000 में जीता था। अगर आपकी परीक्षा में आए कि पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप कब जीता है भारत ने, तो वर्ष 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में इस वर्ल्ड कप को जीता था। खेल आधारित एक और जो करंट अफेयर है, तो अभी हाल ही में भारत ने अपना 1000वां वनडे मैच खेला है। किसके खिलाफ खेला है? तो वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ 1000वां वनडे मैच भारतीय टीम ने खेला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। लता जी को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो इनको भारत रत्न का सम्मान मिला था जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 93 वर्ष की आयु में। तो लता मंगेशकर जी को वर्ष 2001 में भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ था। लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गाना किस साल गाया था? 1949 में गाया था। फिल्म किस महल हेतु यह गाना गया था? तो महल फिल्म के लिए लता मंगेशकर जी ने पहला हिंदी फिल्मी गाना गाया था वर्ष 1949 में। लता जी को भारत रत्न के अलावा और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह सभी पुरस्कार भारत के सबसे उच्चतम पुरस्कारों में से है। भारत रत्न के बाद पद्म भूषण पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। साथ ही फिल्मी दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार को माना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इंडिगो जो कि एक एयरलाइन कंपनी है, उसके अभी हाल ही में नए प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया जी को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं कर्नाटक बैंक की। तो कर्नाटक बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक राज्य में मंगलुरु शहर है, वहाँ कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर है। और इसके जो मौजूदा हेड हैं महाबलेश्वर MS। कौन है? महाबलेश्वर MS। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक अभी हाल ही में लिखी गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक? नवदीप सिंह गिल के द्वारा। नीरज चोपड़ा कौन थे? तो नीरज चोपड़ा 2021 ओलंपिक में भारत के एकमात्र गोल्ड मेडल पदक विजेता बने हैं। अभी हाल ही में जो कुछ पुस्तकें लॉन्च हुई हैं और उनके नाम साथ में उनके लेखक कौन है? तो एक पुस्तक लॉन्च हुई है लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसको किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। एक पुस्तक का शीर्षक है बैचलर डैड, इसको किसने लिखा है? तुषार कपूर ने। एक और पुस्तक जो महत्वपूर्ण है, इंडियाज एशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस, इसके लेखक कौन है? रेखा चौधरी। साथ में एक पुस्तक लिखी गई है मॉडर्न इंडिया, इसको लिखा है पूनम दलाल दहिया ने। और एक पुस्तक
उपन्यास है द एंड गेम, इसको किसने लिखा है? हुसैन जैदी ने। तो ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तक और उपन्यास है जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अनुष्का शर्मा, दिशा पटानी, कैटरीना कैफ या सलमान खान? तो बाटा इंडिया जो कि एक फुटवियर कंपनी है भारत की, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दिशा पाटनी को। किसको बनाया है? दिशा पाटनी को बनाया है बाटा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। अभी जो हाल ही में कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अलग अलग कंपनियों के द्वारा, तो गेम्स 24x7 ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऋतिक रोशन को। किनारा कैपिटल ने किसको बनाया है? रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हुंडई मोटर इंडिया ने किसको बनाया है? अदिति अशोक को। फिनो पेमेंट बैंक ने बनाया है पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर। फॉसिल वंडरशिप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया है। फॉसिल एक वॉच मेकर कंपनी है जिसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है। स्पोर्ट्स अड्डा ने किसको बनाया अपना नया ब्रांड एम्बेसडर? ब्रेट ली को। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हाल ही में जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां दर्ज की गई है? चार राज्यों के नाम दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। तो जनवरी 2022 की जो रिपोर्ट आई है तो सबसे कम बेरोजगारी दर्ज तेलंगाना राज्य में दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज भारत सरकार ने नहीं बताया है, लेकिन सबसे कम बेरोजगारी दर्ज जो जनवरी 2022 की है तो तेलंगाना राज्य में रिकॉर्ड हुई है। आगे तेलंगाना राज्य से कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है, जो कि बैठक मुद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। अभी हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यानी रामप्पा मंदिर को, जो कि तेलंगाना राज्य में है, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तेलंगाना के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है हिमा कोहली, जो कि पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिमा कोहली पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है। किस राज्य से है? तो तेलंगाना हाई कोर्ट में है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यता और सुलह केंद्र का उद्घाटन भी अभी हाल ही में तेलंगाना में हुआ है। तो ये सारी बातें आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बनती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में NCERT यानी नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो NCERT का नया निर्देशक अभी हाल ही में दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया है। बात कर लेते हैं NCERT की स्थापना कब हुई थी। तो NCERT की स्थापना हुई थी वर्ष 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में NCERT का हेडक्वार्टर है और इसके नए निर्देशक बनाए गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो सुजुकी इनोवेशन सेंटर जो हाल ही में बनाया जाएगा IIT खड़गपुर में। कहाँ बनाया जाएगा? IIT खड़गपुर में नया सुजुकी इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हाल ही में जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? ये प्रश्न एक बार रिपीट हो गया है फिर से। तो इसका पहले ही हमने डिस्कस किया, तेलंगाना राज्य में सबसे कम जो जनवरी महीने में बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित ATP टाटा ओपन महाराष्ट्र 2022 टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ATP का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। और टाटा ओपन महाराष्ट्र टूर्नामेंट अभी 2022 में पुरुष युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी ने टाटा ओपन महाराष्ट्र टूर्नामेंट जो कि पुरुष युगल का खिताब जीता है। टाटा ओपन महाराष्ट्र टूर्नामेंट जो कि 2022 में आयोजित हुआ है, किस शहर में इसका आयोजन किया गया है? तो इसको पुणे शहर में आयोजित किया गया है।
तो आज के इस वीडियो में हमने 7 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GS कैरियर अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।